और कितने शानदार तरीके से बनाई है। देखो ना, मान लो कि एम्स्टर्डम वाला ही लग रहा है मेरे को एकदम, है ना। लेकिन इलीगल है, लेकिन पुलिस फिर भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस वो सबसे खास इसका कारण ये है कि जो ओनर है ना, उसने मेरे को कहा कि ये विन डीजल की कार है जो उसने फास्ट एंड फ्यूरियस में चलाई थी। इससे मोस्ट यूनिक कैफे, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैफे, इससे ज्यादा धनी कैफे मैंने आज तक नहीं देखा है। आपने देखा है क्या? You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your तो साउथ कोरिया की बसेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कोई टिकट कंडक्टर वगैरह नहीं रहता है, मतलब आपका कैश से काम चलना नहीं। अगर कैश के हिसाब से आते हो तो आपको अलाउड नहीं रहेगा अंदर, अनलेस कोई मदद ना कर ले, जैसे कि मोहतरमा ने मेरी मदद की, क्योंकि बस में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ साउथ कोरिया में। यहाँ पे सब मशीनें लगी है जैसे दुबई वगैरह में होता है, बस वैसा ही। या तो आपका वीज़ा का, मास्टर कार्ड, मतलब दुबई वगैरह में तो नॉल कार्ड ही अलाउड है उनका, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी इंटरनेशनल कार्ड चलेगा, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, या फिर सबसे बेस्ट रहता है ना कि कन्वीनियंस स्टोर में, इनकी जो शॉप्स रहती है ना, कन्वीनियंस स्टोर, बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर, वहाँ पे ये बस का, मेट्रो का कार्ड बनवा लेने का, ताकि कि क्या चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल, आप जब जब स्वाइप करोगे, स्वाइप नहीं मतलब टच करोगे ना, तो 70 रुपीज़ इसका चार्ज है ऐसे तो, 1200 वॉन, ठीक है, इंटरसिटी का, किधर भी जाओ, चार स्टॉप जाओ या दो स्टॉप जाओ, तो 70 रुपीज़ नहीं, आपका फिर 10% और कटेगा, 77, क्योंकि बैंक भी तो आपका चार्जेस लेगी ना, अगर आपका इंटरनेशनल जो बैंक का यूज़ करोगे कार्ड, तो इससे अच्छा कन्वीनियंस स्टोर से कार्ड बना देने का, जो बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा। तो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में कोरिया सीरीज के। इस वक्त मैं एक ऐसे इलाके पे आया हूँ ना, जो माना जाता है कि सबसे खतरनाक इलाका है कोरिया का, या फिर कह सकते हैं सोल का। इसका कारण ये है कि कोरिया में वैसे तो क्राइम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी लगभग होते हैं सारे ये एरिया में होते हैं। इसका नाम है योंगडोंगपू, जिसके वजह से मैंने सोचा कि सोल सिटी कितनी सेफ़ है और वाकई में क्या सेफ है टूरिस्ट वगैरह के लिए, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हालाँकि अब तो रात के 8 बजे है, और मेरा विचार है कि रात को 12 बजे के बाद ज़्यादा शूट करके देखूं, परखूं, जानूं और आप लोगों को भी बताऊं। तो 12 बजे के बाद हम अपने जो हॉस्टल वाला इलाका है ना, उधर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि रात को 2 बजे 3 बजे कितना सुरक्षित है। लेकिन उससे पहले 8 बजे के आसपास ये सेफ रहता है टाइम, अगर आप खतरनाक जगह भी जा रहे हो तो, है ना। तो अभी अपन ये इलाका थोड़ा देख लेते, फिर रात के 12 बजे के बाद अपन अच्छे से देखेंगे कि सोल सिटी कितना सेफ है लड़कियों के लिए या फिर टूरिस्टों के लिए, ठीक है। देखो गाइज, ऐसी बात है ना कि जो जगह ही गलत हो ना, तो उधर गलत काम होने तो लाजमी है। ये आप जो देख पा रहे हो ना, इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन ये वही चीज़ है जो एम्स्टर्डम में मशहूर है, अडल्ट लाइफ के हिसाब से या फिर अडल्ट स्ट्रीट के हिसाब से। यहाँ पे सब यू नो द गर्ल्स वुड स्टैंड इनसाइड, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, यू नो, यू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ। एनीवेज, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी है बंद, जिसकी वजह से मेरे को पता था ये पहले से ही कि बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं आया हूँ और शूट भी कर पा रहा हूँ। अगर चालू रहता तो जाहिर सी बात है मैं शूट ही नहीं कर पाता, क्योंकि ना दिखा पाता, अच्छी बात नहीं होती, और अलाउ भी नहीं होता है बेसिकली। तो बंद है, जिसकी वजह से मैं शूट कर पा रहा हूँ, दोनों तरफ है, मतलब वहाँ तो एक ही तरफ था, अभी स्टोर है, फिर यहाँ से भी चालू हो गया रहेगा। मे बी बिकॉज ऑफ इटाइवन का जो इंसिडेंट हुआ है एक हफ्ते पहले, उसके बाद से बंद है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट अच्छी बात है। और अच्छी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरिया में ये इलीगल है, ये चीज़ इलीगल है इसका व्यापार, फिर भी ऐसी चीज़ें बनाई गई और कितने शानदार तरीके से बनाई है। देखो ना, मान लो कि एम्स्टर्डम वाला ही लग रहा है मेरे को एकदम, है ना। लेकिन इलीगल है, लेकिन पुलिस फिर भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर हम इन पे एक्शन ले तो ये भूखे मर जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऐसा चलता था, अभी लेकिन बंद है, बस वही बात है। सोचा नहीं था, लेकिन सच में हैरान करने वाली बात है कि वो गली जो थी अंधेरी वाली, अंधेरे वाली, आई मीन नॉट अंधेरी, उसमें से निकला, पूरी गली भरी हुई थी, फिर अभी ये रोड साइड भी ये है, और उसके बाद इस तरफ जब मेन रोड पे आ रहा हूँ ना, तो इस तरफ आप देखोगे फिर भी आपको मिलेगा, मतलब ये तकरीबन नए नए करके 500 से 600 ऐसे स्टॉल्स है, स्टॉल्स नहीं क्या है, आप समझ जाओ। और इसलिए शायद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो ही है, लेकिन ऐसे बोर्ड भी लगाया कि देख लो भाई, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, अगर नजर नहीं जा रही है तो देख लो और कुछ गलत करना मत यहाँ पे।
देखा जाए तो मेरे को कोई इतना डेंजर वेंजर लगा नहीं है ये टाइम पे, लेकिन हाँ 12 बजे के बाद तो ये एरिया में, ऐसी एरिया पे मत आना, अपने एरिया में लाइक होंगदाए वगैरह उधर सब जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फिर बोलोगे कि अगर जब इधर आना ही नहीं है तो ये बताया क्यों, तो ये इलाका मेरे को फिर भी इसलिए अच्छा लग रहा है, इसका कारण ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लो, यहाँ पे टाइम स्क्वायर करके मॉल भी है जो कि सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है इधर सियोल का, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ भूले भटके कभी आप आ सकते हो अमेजिंग से नज़ारे देखने के लिए या फिर हो वो मॉल देखने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बैड पॉइंट्स या गुड पॉइंट्स वो भी रखना ज़रूरी होता है। ये टाइम स्क्वायर वाली गली में ही वो अपन राउंड मार के पूरा ऐसा घूम के ऐसे आए, ठीक है। लेकिन इसके सामने एक और टूरिस्टी जगह है, आप देख लो मतलब कितना हसल बसल है, एकदम चाइना टाउन आप कह सकते हो यहाँ का। तो वहाँ जाते, रोड ऐसे क्रॉस कर नहीं सकते, ये नीचे का सबवे इस्तेमाल करते, वहाँ से निकलेंगे फिर जाते वो एरिया में, ठीक है। तो ये गाइज ये है ना, ये एकदम स्ट्रीट जोरदार, एकदम वाइब्रेंट है, जैसा चाइना जापान, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोरियन या फिर ऐसे कोई देश में आए है, ये स्ट्रीट पूरी वैसी है, इसलिए तो ये एरिया में लेके आया हूँ। मतलब सामने थे ना अपन, वो सामने वाली लेन में ये सब होता था, अपन क्रॉस करके आए, तो ये पूरा टूरिस्टी इलाका है, अच्छा है एकदम, कुछ नया देखने मिलता है ना। ये लेना ना दिखने में टूरिस्टी के हिसाब से, लेकिन पूरा कोरियन लोगों के लिए बनाया है, मतलब लोकल्स के हिसाब से, खाना पीना जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह है रेस्टोरेंट है सब कोरियन स्टाइल की है। चलो गाइस, तो ये योंगडोंग पू इलाका भी देख लिया कि कोरियन स्पेशल क्यों है, ये कोरियन स्पेशल स्ट्रीट क्योंकि खाना पीना सब कोरियन के हिसाब से, बार भी है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, हॉस्टल जाएंगे, बिकॉज अब बजे 9:30 के आसपास, अभी हॉस्टल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे 2 घंटा, फिर 12 बजने के बाद हॉस्टल से निकलेंगे और जो आसपास का इलाका है ना वो कवर करेंगे कि 12 बजे के बाद कैसा माहौल रहता है सोल साउथ कोरिया का, ठीक है। तो गाइस अभी बजे रात के 12 और मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, क्यों, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि 12 बजे के बाद सोल सिटी क्या सुरक्षित रहती है, मतलब क्या माहौल रहता है, क्या हमें अलग देखने मिल सकता है, एक बार एक्सप्लोर करके आते ताकि कि लेडीज हो गई, सोलो ट्रैवलर हो, टूरिस्ट हो, क्या वो सेफ महसूस कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात तो नहीं है, इसी उम्मीद से और कुछ नया देखने मिले इसी उम्मीद से एक बार मैंने सोचा कि ये राउंड मार के आ ही जाता हूँ इस एरिया का होंगडे का जहाँ पे मेरा स्टे है बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स गो। यहाँ पे लाइन सर सुपर कार की जमावड़ा लग गई है, मतलब एकदम लाइन लग गई है, सुपर कार नहीं बोल सकते लेकिन लग्जरी है, स्पोर्ट्स कार है, सुपर कार मान ही लो बिकॉज ऑडी है, पॉश है, बीएमडब्ल्यू है, अगेन ऑडी है उसके आगे, लेकिन सबसे वो जो फर्स्ट है ना, आई मीन लास्ट गाड़ी, वो सबसे खास इसका कारण ये है कि जो ओनर है ना उसने मेरे को कहा कि ये विन डीजल की कार है जो उसने फास्ट एंड फ्यूरियस में चलाई थी, तो इसने अमेरिका से खरीदी थी। अब पता नहीं सच है कि झूठ है जो भी है, लेकिन कार बड़ी प्यारी है ये पक्की बात है, कलर भी एकदम डासू है, अब देख लो डॉच कंपनी की है, यूएसए की है, और विन डीजल ने कोई तो फास्ट एंड फ्यूरियस के सीरीज में चलाई थी, इनका कहना है डॉज, या आई अंडरस्टूड डॉज, या परफेक्ट, हाँ नाइस। अरे पीछे एक और आ गई बातों बातों में, कौन सी है, बेंटली है क्या, बी ए पता नहीं, हाँ बेंटली होगी, ये भी क्लास है यार, कलर देखो ब्रिंजाल कलर का एकदम डार्क पर्पल, चबनाबा क्या मस्त है यार। रात में सारे रेस्टोरेंट हो गए, पब्स हो गए, जो भी है ना सामने वगैरह छोटे, मतलब ये जो भी रेस्टोरेंट्स पब्स आप देख रहे हो ये तो एकदम लग्जरी वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे इतना सारा कचरा मिलेगा ना, गार्बेज, ये लोग रात को बंद करने के टाइम सब फेंक देते हैं यहाँ पे, फिर कल सुबह जैसे ही आओगे ना आप अर्ली मॉर्निंग में ये सब गायब मिल जाएगा, बिकॉज कचरे वाली गाड़ी आती है अर्ली मॉर्निंग, ये पूरा लेके जाती है, इसके वजह से स्ट्रीट्स वगैरह में किधर भी आपको कचरा नहीं दिखता है, बिकॉज वो पूरे दिन का कचरा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद रात में बंद करने के टाइम एक जगह टेक देते हैं। अभी ये पूरे लेन का इधर टेका है, ये पूरे लेन का उधर कॉर्नर में टेकेंगे, ऐसा ऐसा इनका सिस्टम रहेगा कुछ, जिसके वजह से सुबह सुबह ये कचरा पूरा साफ हो जाता है इनका। कोरिया में सच में लोगों के पास इतना पैसा है कि ऐसे फालतू में खर्चा कर देते हैं, मतलब हर 5वीं दुकान मेरे को ऐसे फोटो स्टूडियो दिख रही है, सेल्फ फोटो स्टूडियो आप कह सकते हो, जहाँ पे वो फोटो के बूथ लगे,
आप कुछ भी यहाँ से ले लो, आई मीन फोटो खिंचाने के लिए, चाहे चश्मे हो गए या फिर कुछ भी प्रॉप्स आप बोल सकते हो, ले लो और वहाँ पे जाओ फोटो खिंचाने, और बस दो फोटो रहेंगे, एक किधर इधर चिपका दो और एक लेके जाओ, दैट्स इट। उसमें भी हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यह है शॉप नंबर 1 जहाँ मैं आपको फिलहाल लेके आया हूँ, राइट। और इसमें मैं देख रहा हूँ कोरिया का मेरे को पहला भिखारी दिख रहा है, साउथ कोरिया का पहला भिखारी मेरे को अब भी दिख रहा है, बताओ। वो अंदर आराम करने आया है बिकॉज बाहर बहुत ठंड है, जिसकी वजह से अंदर ये सब क्या हीटर रहता है, जिसकी वजह से बेचारा आराम करने आया रहेगा। कोई भी शॉप में ओनर्स नहीं रहते, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैं बाहर आया हूँ, ये देखो सामने अगेन सेल्फ फोटो स्टूडियो, आप पढ़ सकते हो, राइट। ये भी सेल्फ स्टूडियो, और आगे उस तरफ भी है सेल्फ स्टूडियो, और उस तरफ भी है, मतलब मैं आपको बताऊंगा ना, आप भी हैरान हो जाओगे कि पब्लिक इतना कितना जाती है, और रात के 1 बजे फिर भी आप मान लो ऐसी भीड़ हो जाती है हर जगह, लोग जाते हैं और फोटो वोटो खिंचवा देते हैं, क्या ही कहना, मतलब इतना पैसा कैसे आ जाता है लोगों के पास। 4,000 won है एक फ़ोटो का, ऐसा कोई कम नहीं है। 4,000 won मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 280 rupees, समवेयर अराउंड 260 rupees। अब 260 rupees यार ऐसे ही टाइम पास में खर्चा करना, मतलब सही है यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, मौज ही मौज है यार। लगभग सारी चीज़ें तो बंद हो रही है, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, एक छोटा सा जैज बार करके कुछ है, और ओपन लिखा गया है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आई मीन बार ओपन है। नीचे जाके देखते हैं कि कैसा है ये कैफ़े या बार, है ना। तो मैं अंदर आ गया, और अंदर जैसे ही आया तो देख लो अभी नज़ारे, क्यों है ये खास, और सच में मैं भी दंग रह गया, मतलब इंडियन करेंसी भी दिख रही है मेरे को, 1,000 rupees पुरानी, और आप देख लो डॉलर है, थाईलैंड का करेंसी है, पाउंड है, मतलब सारी करेंसी जितना आप सोच रहे हो ना, दुनिया की जितनी भी करेंसी है आपको इस कैफ़े में दिखेगी। इससे मोस्ट यूनिक कैफ़े, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैफ़े, इससे ज़्यादा धनी कैफ़े मैंने आज तक नहीं देखा है। आपने देखा है क्या, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। 100% नहीं देखा होगा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। और देख लो डेकोरेशन वगैरह पूरे मूव वो बिगाड़ दिया। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो, जिस भी भाई साहब ने, जिस भी महाशय ने किया है, क्या ही बोलूँ अभी, जो भी है, लेकिन बहुत सही है यार। तो है ना कमाल का कैफे, मैं एक और बार बता देता हूँ, इसका नाम जैज बार है, और क्या है, कैरोल किंग जैज बार, और सामने ऐसा कुछ है द एस्केप, एस्केप करके कुछ मॉल है कि क्या है मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैफे कुछ यूनिक है। तो आप जब भी होंगडे में आओ, सोल में जो होंगडे इलाका है ना, जहाँ पे मेरा हॉस्टल वगैरह है, तो रात में वगैरह है, दिन में भी, और दिन में तो ये चालू नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, शाम से ही चालू होता रहेगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इस हिसाब से ही मैंने ये अच्छे से आपको बताया। एनीवेज, लेकिन अंदर कुछ खाना पीना मत, सिर्फ आना, देखना, फोटो वोटो खींचना और चले जाना। बिकॉज मैंने जैसे ही पूछा कि कोई ड्रिंक नॉन अल्कोहली या फिर ऐसा, बोले नो नो ओनली वी सर्व विस्की, दैट्स इट। अरे भाई विस्की के अलावा इतना बड़ा कैफ़े है, मतलब कुछ यूनिक है, बोला नो, बिकॉज वो स्टाफ खुद ही ड्रंक था, दोनों जो थे ना लोग ड्रंक थे, अब पता नहीं ओनर थे कि स्टाफ थे मेरे को नहीं पता, जो भी है क्या ही करना अपने को। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, फोटो वोटो तो खींचता हूँ मैं, फोटो वोटो ले लिया, वीडियो वीडियो ले लिया, बस लोग देख लो, मतलब 1:30 बजने को आ रहे, लेकिन पब्लिक तो है और सेफ है कोरिया। मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाह रहा था कि क्या रात को कोरिया सेफ है, आई मीन ये होंगडे इलाके वगैरह, आप देख सकते हो लड़कियां हो गई, अभी सारे लोग सेफ तो है भाई, बिंदास है और इंजॉयबल भी है। और हाँ, एक और फोटो स्टूडियो मैं आपको बता रहा था ना कि लाइन वाइज और भी आएंगे, ये देखो यहाँ पे भी कितनी भीड़। इसमें कोई ओनर्स नहीं है, अंदर कोई स्टाफ या ओनर वगैरह नहीं है, सेल्फ है सब कुछ, पूरा भरोसे पे चलता है काम यार, मतलब कार्ड से स्वाइप करो, आपका टोकन आ जाएगा, फिर फोटो वोटो खिंचा लो, दैट्स इट। बढ़िया है यार, मतलब सब अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। गाइस अब बज रहे रात के 3, और सच कह रहा हूँ जितना मैंने जाना परखा देखा, और आपने भी जितना ये जाना देखा परखा ना, तो आपको भी पता चल गया कि कोरिया ये जो सियोल सिटी है वो सेफ है रात में, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, सोलो ट्रैवलर के लिए हो, टूरिस्ट हो या फिर लोकल्स हो, आई मीन कोई हेक्टिक वाली चीज़ ही नहीं थी, कोई पंगे नहीं थे, इनफैक्ट काफ़ी शॉप्स तो ऐसी भी थी जो 24 घंटा खुली रहती है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अलग लगा रहेगा, बिकॉज चीज़ें भी अलग देखने मिली, यहाँ के कैफ़े बार जो करेंसी से भरा हुआ था, या फिर वो फोटो स्टूडियो वाला सीन, आपको कुछ यूनिक चीज़ हमेशा देखने मिलेगी कोरिया में, मेरे वीडियोस में, ठीक है, कोरिया का पता नहीं, मेरे वीडियोस में, तो हमेशा बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अगर भगा के देखा है वीडियो, मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखना वापस, ठीक है, क्योंकि हर मोड पे नया चीज़ देखने मिलेगा, और ऐसे ही आपको आगे की वीडियोज़ भी पूरी देखनी है, क्योंकि हर मोड पे
अलग चीज़ें देखने मिलेगी। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोरिया सीरीज के, बहुत धमाकेदार होगा वो भी, ठीक है।